तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चलती ट्रेन में गोलीबारी, आरपीएफ के एसआई और 3 यात्रियों की मौत, जयपुर मुंबई ट्रेन में पालघर के पास फायरिंग। तो महाराष्ट्र के पालघर से बड़ी खबर आ रही है, जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। यह ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 3 यात्री शामिल है। तो आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने पहले एएसआई को गोली मारी और फिर अन्य 3 यात्रियों पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी की यह घटना वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई। मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद आरोपी को बोरीवली पुलिस स्टेशन में लाया गया। दोनों ही आरपीएफ कर्मी ऑन ड्यूटी पर थे और ऑफिशियल काम से मुंबई आ रहे थे। आरोपी जवान ने अपनी सर्विस गन से फायरिंग कर दी। घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 के कोच नंबर B5 में हुई है। यह घटना आज सुबह 5:23 पर हुई। आरपीएफ का जवान और एएसआई दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल चेतन ने एएसआई टीकाराम पर अचानक गोली चला दी, जिससे सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। डीसीपी वेस्टर्न रेलवे मुंबई के संदीप वी ने मीडियाकर्मी से बात करते हुए बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर उसे ड्यूटी पर क्यों तैनात किया गया था।